निबंध। हम बहुत से निबंध पढ़ते भी हैं और स्वयं लिखते भी हैं। आपने भी जरूर कोई ना कोई निबंध लिखा होगा। आइए देखते हैं कि निबंध होता क्या है। विचारों की पूर्ण रूप से बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। निबंध चार प्रकार के होते हैं, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध तथा विवरणात्मक निबंध। निबंध के तीन भाग होते हैं, प्रस्तावना, मध्य भाग तथा उपसंहार। प्रस्तावना निबंध के प्रवेश द्वार के समान होता है। यह आकर्षक और कौतूहल बढ़ाने वाला होता है। निबंध का मध्य भाग प्रारंभ से अंत तक विषय का विवेचन करता है। उपसंहार में निबंध का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें निबंध का निष्कर्ष दिया जाता है।